गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आज से हम लोग मेन एसबीआई पीओ को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि नियर अबाउट है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ जाएगा और कहीं ना कहीं वैकेंसी बहुत तेजी से फिल होगी। तो हमारे पास में टाइम बहुत कम रहेगा, तो हम लोग अभी से कहीं ना कहीं वो लेवल लेना चाह रहे हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, दोनों में। और आज मैंने फ्लोर बेस्ड पजल्स के 3 सेट लिए हैं, और कल भी देखिए फ्लोर बेस्ड पजल लूंगा, क्योंकि फ्लोर बेस्ड पजल जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी वैरायटी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैरायटी तो आएगी, प्रैक्टिस भी उतना ही ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जितना ज्यादा वैरायटी आएगी आपको रिटेन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी देखिए फ्लोर बेस्ड है तो फ्लोर में लीनियर भी आएगा, फ्लोर में क्वांट बेस्ड पजल भी कहीं ना कहीं रहेगी। तो फ्लोर में बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर है जिसको हम आने वाले दिनों में कवर करेंगे। तो मैं कल और आपके फ्लोर बेस वैरायटी लूंगा। आज मैंने जो 3 पजल लिए हैं, इजी, मॉडरेट और एक डिफिकल्ट है। इसके बाद हम देखेंगे फ्लोर बेस के अंदर ही हम बॉक्स बेस पजल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फ्लोर बेस, बॉक्स बेस एक सी ही चीजें हैं, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। जैसे आज जो मैंने पजल ली उसमें एक लास्ट वाली जो पजल है बेसिकली बॉक्स बेस पजल है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फ्लोर बेस है, बॉक्स बेस है, बेसिकली देखा जाए तो एक टेबुलर फॉर्म का ही पार्ट है दोनों। और टेबुलर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हम आगे जब ये सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट फॉर्म हम कवर कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए स्क्रीन पे आपको देखिए एक सेट नजर आ रहा होगा और ये सेट आपको आराम से दिखाई दे रहा है, पढ़ सकते हैं इसको। तो एक बार फटाफट पढ़ लीजिए फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सॉरी ये पहला सेट नहीं है, एक मिनट रुको, आप ये वाला सेट पढ़ो पहले। ये सेट आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा, इसको एक बार पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे बना देता हूं आपके लिए। आई होप सभी को दिखाई दे रहा है। 2 मिनट का समय है आपके पास, इसको पढ़ लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोगों ने सेट अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना।
और इसमें आप देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लोर बेस्ड वैरायटी है तो टेबल कहीं ना कहीं बनती है, और उस टेबल को बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, बेसिकली बॉक्स बेस्ड हो या फ्लोर बेस्ड हो दोनों में ही टेबल बनती है, इसका ध्यान रखना है कि उसने जो फ्लोर नंबर बोले हैं वो किस अकॉर्डिंग बनेंगे। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप ये देखेंगे कि फ्लोर नंबर देखिए ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता है, कई बार वो फ्लोर वन से स्टार्ट करता है। देखिए इसके बारे में वो क्लैरिटी हमें देकर चलता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर लेगा, नहीं वो कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो सब कुछ हमें क्लियर करके चलता है। अब देखें जैसे इस सेट में अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं, आई होप सभी को दिख रहा होगा ये, ठीक है, इस लाइन को पढ़ते हैं, 10 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के सिटिंग इन अ रेक्टेंगुलर टेबल, सॉरी फॉर डेट, मैंने शायद गलत पजल यहाँ पे पेस्ट कर दी है, एक मिनट रुको, ये मैंने गलत पजल पेस्ट कर दी, मेरा ध्यान ही नहीं था, एक मिनट है ना, मैं पजल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये पजल मैंने गलत प्लेस कर दी है यहाँ पर। आप इस वाली पजल को देखो, यही है फ्लोर बेस पजल, और जो शायद मैंने पीडीएफ फाइल भी आपको शेयर किया तो उसमें भी पजल गलत दी होगी फिर मैंने। चलिए इसको भी देखते हैं, लेकिन ये क्या है, फ्लोर बेस वैरायटी नहीं है तो उसको करने का मतलब नहीं है। देखिए ये जो पजल है इसको आप पढ़ते जाए, मैं बनाता जाता हूँ, पढ़ते हुए बनाते हैं अपन लोग। इसमें इसने बोला है 8 persons, एडी फ्रैंक जॉर्ज हैरी आयोटा जैक कप्पा एंड लोली लिव इन 8-story बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबव फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देखेंगे 8 फ्लोर है, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मैंने ये फ्लोर नंबर मार्क कर लिए। ये मार्क करने के बाद मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पर एक तो चाहिएगा नाम और एक चाहिएगा उनकी सैलरी, क्योंकि उसने कहा है दे अर्न अ डिफरेंट टाइप ऑफ सैलरीज, तो उनकी सैलरी का जो अमाउंट है वो लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से एक छोटी सी टेबल फॉर्म में बना लिया, और आप लोग भी अपनी कॉपी पे इसको टेबल को बना लें, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए इसने कहा हैरी हैरी लिव्स इन वन ऑफ द इवन फ्लोर्स बट नॉट द टॉप फ्लोर। देखिए हैरी जो है इवन नंबर फ्लोर पर रहता है लेकिन टॉप पर नहीं रहता, तो हमने क्या किया, हैरी की जो पोजीशन है वो यहाँ पे इस तरह से लिख दी कि टॉप फ्लोर पर नहीं रहता है, तो हैरी की पोजीशन देखिए टॉप फ्लोर पर नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन ये इवन नंबर फ्लोर पे आएगी। तो देखिए मैंने ब्रैकेट में ई लिख दिया, ई मतलब इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। आगे इसने कहा जैक, जैक डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो जैक भी देखिए टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं आएगा, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। और हेमंत मैंने पीडीएफ भेजी है, थोड़ा लेट भेजी है, मैंने पीडीएफ भेज दी है, चलिए अपन आगे इसको लेते हैं। जैक जैक डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है ये हो गया। दे आर टू फ्लोर्स बिटवीन द हैरी एंड कपा, हैरी और कपा के बीच में 2 फ्लोर हैं, ठीक है, मैं लेटर्स लिख रहा हूँ ए बी सी डी एफ जी, क्योंकि सबके अलग अलग है ना, तो के और एच के बीच में क्या है, 2 फ्लोर हैं, ठीक। हु सैलरीज 45,000, देखिए हु किसके लिए है, हु सैलरीज फॉर कपा, कपा के क्या है सैलरी कितनी है, 45,000 उसकी सैलरी आ रही है। आगे इसने कहा द वन हु सैलरीज 55,000 लीव इमीडिएटली अबव हैरी, हैरी के ठीक ऊपर रहता है, देखिए इसके ठीक ऊपर जिसके 55,000 सैलरी है वो बंदा रहता है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखिए फिक्स है, लेकिन कप्पा और हैरी का ऑर्डर फिक्स नहीं है। आयोटा डज नॉट लीव ऑन द फ्लोर नंबर 6, आयोटा 6 नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है, तो यहां पर आयोटा नहीं आएगा। आगे इसने कहा देयर आर 3 persons बिटवीन हैरी एंड लॉली, हैरी और एच और एल के बीच में कितने हैं, 3, ठीक है ना, 3 फ्लोर है उसने ये बोला है। लॉली हू सैलरी इज 50,000, ठीक है, इसकी सैलरी कितनी है, 50,000 सैलरी इसकी आ रही है। आगे इसने कहा द सैलरी
द सैलरी डिफरेंस बिटवीन आयोटा एंड जैकिस 10,000। आयोटा और जैक की सैलरी का डिफरेंस कितना है? 10,000 है। तो आयोटा और जैक इसकी सैलरी का जो डिफरेंस है वो 10,000 है, उसने ये हमें दिया है। ठीक है, आगेस ने क्या कहा? आगेस ने कहा है कि ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन एडी एंड फ्रैंक। एडी और फ्रैंक के बीच में क्या है? एक व्यक्ति रहता है। फ्रैंक हूज सैलरी 60,000। फ्रैंक जिसकी सैलरी क्या है? 60,000 है। ठीक है, आगे इसने कहा जैक, जैक लीव्स एंड इमीडिएटली अबव जॉर्ज। जैक क्या है? जैक जॉर्ज के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, आगे इसने कहा जॉर्ज हूज सैलरी इज 40,000। इसकी सैलरी क्या है? 40,000 है। ठीक है, आगे इसने क्या कहा? लॉली डज नॉट लीव इमीडिएटली अबव पापा। ठीक है, तो जो एल है वो के ठीक ऊपर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ऊपर नहीं है, उसने ये बोला है। एंड आयोटा सैलरी इज मोर देन जैक। आयोटा की जो सैलरी है वो जैक से ज्यादा है। देखिए ये मैंने नोटेशंस बना लिए। अब देखें इसमें स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है। इस पजल का टाइम अगर आप देखेंगे तो इस पजल का टाइम विद इन 5 मिनट्स है, 5 मिनट के अंदर ये पजल आपसे बननी चाहिए। अब देखेंगे इसमें स्टार्टिंग कहां से आ रही है। तो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आई मेरे पास में, हैरी के बारे में दो तीन जानकारी आ गई कि हैरी जो है, हैरी और जो जैक है वो 8th फ्लोर पे नहीं रहते। ठीक है, ये 8th फ्लोर पे नहीं रहते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि हैरी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो इवन नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब देखिए पूरे पूरे केसेस बनाने से बेटर है, पूरे पूरे केसेस बनाने से बेटर है आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, एक दो स्टेप आगे का सोच लीजिए। अगर हो सकता है वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाए तो आपको पूरे स्टेप ना बनाने पड़े। ठीक, जैसे अगर आप देखेंगे कि मेरे पास में एच जो है वो 2 नंबर पे अगर मैं मान के देखता हूं, ठीक है ना, तो के देखिए 2 फ्लोर छोड़ दीजिए, 5 पर आएगा, यहां पर के आएगा, यहां पर एच आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे हैरी से कनेक्ट होता हुआ एक जानकारी हमारे पास में ये है, इसमें क्या 3 लोग आने चाहिए बीच में। ठीक है ना, लॉली और हैरी के बीच में 3 आने चाहिए। तो देखिए जब आपने एच यहां रखा, सोचकर देखिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, तो 3 यहां पे आ जाएंगे, तो एल यहां आएगा, एल यहां आएगा, और आप देखेंगे के यहां आएगा, के मतलब कपा यहां आएगा। बट द पॉइंट इज कि उसने ये बोल रखा है कि लॉली जो है कपा के ठीक ऊपर नहीं है, एल जो है के ठीक ऊपर नहीं, तो ये वाला केस देखिए देखते ही आपके एलिमिनेट हो जाना चाहिए, इसको बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं देखें दूसरा केस कि भाई एच यहां तो आ नहीं सकता, एच को यहां लिया जाए तो क्या होगा। अगर मैं एच को यहां सोचता हूं, समझिएगा, एच को यहां सोचता हूं तो फिर मेरे पास में दो केसेस और आते हैं, दो केसेस और आते हैं। दो केसेस क्यों आते हैं उसको समझने का तरीका क्या है हमारे पास में, कि दो केसेस क्यों आएंगे। एच यहां पे आएगा तो 3 छोड़ करके तो एल आएगा, तो नीचे तो आ नहीं सकता, वो तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना, एल यहीं पे जाएगा, और जो ये है कपा, है कपा जो के है, दो छोड़कर है, तो वो देखिए ऊपर आ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर आएगा तो वही कंडीशन कि एल के ठीक ऊपर नहीं होना चाहिए, तो नीचे आएगा वो कपा, के की वैल्यू नीचे आएगी फिर। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर बन पाएगा क्योंकि ऑर्डर हमें एच और के का तो पता ही नहीं है। तो आप देखेंगे फिर ये केस हमें बना करके देखना पड़ेगा, या फिर इस केस को हम बना रहे हैं। देखिए मैंने तो क्या है, कलर बना लिया, कलर ब्लू ले लिया है, तो ये ब्लू केस इसको बता रहा है। अदरवाइज फिर हम 4 से फिर 6 पर जाएंगे, 6 पे एच हो सकता है, इस चीज को हमें आगे चेक करना पड़ेगा, बट अभी मैं इस केस को बनाकर देख रहा हूं। अब देखेंगे यहां पे 50,000 आ जाएगा क्योंकि कहा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे हैरी इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, ठीक है, उसके ठीक ऊपर 55,000 जिसकी सैलरी है वो आ जाएगा, कि कपा की जो सैलरी है वो है 45,000, 45,000 यहां आ जाएगा। अब आप देखें कि क्या कनेक्ट होता है, आयोटा जैक हो गया, जैक जॉर्ज के ठीक ऊपर है, 40,000 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां से कनेक्ट करते हैं, जैक जॉर्ज के ठीक ऊपर है और 40,000 वहां पर आएगा। तो देखेंगे दो केसेस हमारे सामने कहीं ना कहीं नजर आते हैं, एक तो ये कि 7 और 6 पर आ जाए, और एक ये कि 3 और 2 पर आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाते हैं कि भाई उसने और भी कोई जानकारी इसके बारे में दी है या नहीं। अगर उसने कोई जानकारी दी है तो फिर क्या है, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, वरना हमें चेक करना पड़ेगा। समझिएगा इस चीज को कि अगर मैं इसका कलर चेंज करके एक बार बनाता हूं, जैसे अगर मान लीजिए
जैक और जॉर्ज को मैंने यहाँ लिया, जैक यहाँ लिया और जॉर्ज यहाँ लिया, तो 40,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, 40,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब पॉइंट क्या है, जैक और जॉर्ज को यहाँ लेकर के अगर मैंने बनाया तो मेरे पास में ई और एफ के बीच में एक व्यक्ति आएगा, और एफ यानी कि एफ का मतलब है फ्रैंक, फ्रैंक की सैलरी कितनी है 60,000 है, फ्रैंक की सैलरी कितनी है 60,000 है। देखें ऊपर के किसी भी जगह पर आप उसको प्लेस नहीं कर सकते, 5 तक कहीं नहीं आ सकता। अब 5 तक कहीं नहीं आ सकता, 4 पे नहीं आ सकता, तो आप देखेंगे 3 और 2 पर ही वो संभव है, लेकिन उस केस में एडी एडी को मुझे 1 के गैप पर रखना है। तो मेरे पास में जगह क्या बचती है, मेरे पास में एफ के लिए जगह बचती है कि एफ को यहाँ मतलब फ्रैंक को यहाँ लिया जाए और 60,000 यहाँ पर डाला जाए, और उसके साथ ही आप देखेंगे ई की जो वैल्यू आ रही है, एडी की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ आ रही है, ठीक है। एडी की वैल्यू क्या आती है, यहाँ आती है, फिर ये चीज़ हमारे यहाँ तक बनती है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो जगह खाली है उसमें क्या हम चीज़ प्लेस कर पाएंगे, जैसे आयोटा और जैक, अब देखेंगे 10,000 का डिफरेंस है, उसने ये बोला था, और जॉर्ज कितना आ गया, जॉर्ज हमने प्लेस कर दिया 40 कर दिया, एफ हो गया। अब देखेंगे आयोटा और जैक के बीच में 10,000 का गैप है, और आयोटा की पोजीशन अब अगर आ सकती है तो यहीं आ सकती है, आयोटा सिर्फ यहीं हो सकता है क्योंकि पूरा केस हम बना चुके हैं। अब आयोटा और जैक के बीच में 10,000 का गैप होना चाहिए। अब देखेंगे जो सैलरी बाकी है, सैलरी बाकी है उसमें एक है 70,000, एक है 65,000 और एक है, एक सैलरी क्या है, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 55 भी हो गया, 60 एक नहीं 60 हो चुका है, एक है ये वाली यहाँ पे छिपी हुई है ये, एक मिनट रुकिएगा, 75,000। तो आप देखेंगे सैलरी हमारे पास में जो बाकी हैं उसमें है एक तो 65,000, एक है 70,000 और एक है 75,000। अब अगर डिफरेंस आता है तो 65 और 75 का आता है, जिसमें आयोटा की सैलरी देखेंगे जैक से ज्यादा है, आयोटा की सैलरी अगर जैक से ज्यादा है तो यहां पर क्या आना चाहिए, 75 आना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, आयोटा की सैलरी जैक से ज्यादा है तो यहां पे आप देखेंगे 75 आना चाहिए और यहां पर 65 आना चाहिए, ठीक है। अब जो बची जगह, अब जो जगह बचती है उस पे आप देखेंगे हमारे पास 70,000 आ जाएगा। देखेंगे यहां तक अगर हम बनाते हैं इसको तो कोई भी चीज गलत नहीं बन रही है, सब कुछ सही बन रहा है, और एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो यही है। बट पॉइंट ये है कि मैंने तो एक केस अज्यूम करके बनाया था, उसमें अज्यूम क्या किया था कि एच यहां पर आएगा, उसके बाद में दूसरा अजम्पशन किया था कि जॉर्ज, जो हमने जैक और जॉर्ज को लिया था वो ऊपर लिया था, जैक और जॉर्ज को नीचे भी लेकर के हमें चेक करना पड़ेगा। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने केसेस बना करके देखे जिसमें जो मैंने कलर चेंज करके बनाया। तो देखें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था हैरी और कपा को लेकर के, यहां से स्टार्ट किया, इसके केसेस लिया, तो एच को मैंने 4 पर लिया, एच को हमें 6 पर लेकर के भी चेक करना पड़ेगा, और एच को जब मैंने 4 पर लिया, 6 पर लेके तो एक ही केस बनेगा, लेकिन जब मैंने 4 पर लिया तो 2 केस बनते हैं, एक तो जॉर्ज और जैक को मैंने यहां रखा, एक दूसरा केस बनेगा, इसको नीचे भी रख सकते थे, वो बात और है, वो केस एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा यही आएगा। आई होप आप लोगों को यह सेट समझ में आया होगा, किस तरह से नोटेशन हमने बनाए हैं, किस तरह से इसको कनेक्ट किया। अभी केसेस चेक करने वाली बात, जैक 65,000, हाँ ठीक है, केसेस चेक करने वाली जो बात है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको एक बार और आगे केसेस फॉर्म में बनाकर देखिएगा और नेक्स्ट सेट पर मूव करते हैं। आज का एक सेट गलत डालने में आ गया मेरे, तो थोड़ा सा टाइम खराब हो गया हमारा शुरुआती दौर में। अब जो सेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये वाला, ये शायद कुछ लोगों ने बनाया हुआ है लेकिन बहुत अच्छा सेट है, और ये SBI PO में कहीं ना कहीं आई हुई वैरायटी है पहले, तो इसको एक बार आप पढ़ लें आराम से, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं उसके अंदर, और ये सेट पढ़ने का ही समय दे रहा हूं 2 मिनट का, क्योंकि ये सेट जो है आपका 10 मिनट तक का समय, 8 से 10 मिनट का समय एग्जाम में लेगा ही लेगा, क्योंकि उससे कम समय में सेट बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें लेंथ काफी अच्छी है, वेरिएबल काफी ज्यादा है। अब ये क्या है, ये एक बॉक्स बेस्ड वैरायटी है,
आई होप आपने पढ़ लिया होगा सभी ने। मैं एक बार इसको फटाफट बनाना शुरू करता हूँ क्योंकि फिर एक पजल हम और करने वाले हैं आज। और देखें कि उसने मुझे डेटा क्या दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि क्या डेटा उसने हमें दिया है। देखें, एट बॉक्सेस की वो बात कर रहा है। इन बॉक्सेस के नाम उसने बता दिए हैं। उसने ये कहा कि उनमें एक अलग अलग फ्लेवर का केक है, पाइनएप्पल, बटर वाइट, कैपेचिनो, चेरी मार्बल, ब्लैक फॉरेस्ट, मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट आलमंड एंड रेसबेरी। देखिए, जब भी आपके सामने कोई भी सेट इस तरह का आता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको उसको पढ़ के ये देखना होता है कि जो नाम है, नाम को क्या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं या नहीं। अगर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर हम नाम को शॉर्ट में लिख सकते हैं तो इस शॉर्ट में लिख सकते हैं या नहीं, ये कैसे पता पड़ेगा कि भाई हम जब नाम है उसके इनिशियल लेटर्स डिफरेंट हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे पाइनएप्पल है इसको PIN, बटर वाइट को BW, कैपेचिनो को CAP, चेरी मार्बल CM, ब्लैक फॉरेस्ट BF लिखा जा सकता है। इनिशियल लेटर लेकर के हम उसका शॉर्ट नेम बना सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा नाम अगर हम लिखने लगे तो बहुत टाइम, बहुत स्पेस कंज्यूम होता है। तो शॉर्ट नोटेशन बनाते समय कोई भी दो नाम सेम ना हो जाए, शॉर्ट नोटेशन दो के सेम ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसने कहा आगे, बॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल अमंग स्टील, प्लास्टिक, वुड, कार्ड बॉक्स। ये अलग अलग धातु के बने हैं मटेरियल उसने बता दिया। एग्जैक्टली टू बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ठीक दो डब्बे ऐसे हैं, ठीक दो बॉक्स ऐसे हैं जो सेम मटेरियल के बने हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये लाइन तो हम याद रख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि हम इसके शॉर्ट नोटेशंस बना लेते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट नोटेशंस बनाने में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। मैं सेट को थोड़ा ऊपर खिसका दूंगा क्योंकि डेटा ज़्यादा है, मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिएगा। इसने कहा है कंसीडर टॉप एज द फर्स्ट पोजीशन, टॉप को फर्स्ट पोजीशन लेना है, यानी कि बॉक्स में जो नंबर डलना है वो ऊपर से डलना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे इसने कहा देर इज वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स आर एंड टी, आर और टी बॉक्स के बीच में एक डब्बा है, उसने ये कहा है। टी विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, टी जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ डब्बा है, टी जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ डिब्बा है। एंड बोथ आर ऑफ टॉप फोर पोजिशन, ये दोनों डब्बे जो हैं ये पहले चार स्थान में हैं, एक से चार में हैं। ठीक है, आगे इसने क्या कहा, द बॉक्स कंटेनिंग चेरी मार्बल केक इज कैप्ट इमीडिएटली ब्लो द वुडन बॉक्स, जिसमें चेरी मार्बल केक है वो वुडन बॉक्स जो है लकड़ी का जो डब्बा है उसके ठीक नीचे है। तो देखिए चेरी मार्बल केक जो है वुडन बॉक्स लकड़ी का जो डब्बा है उसके ठीक नीचे, देखिए इमीडिएटली ब्लो का है उसने, ठीक नीचे का है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चेरी मार्बल केक का जो डब्बा है उसके ठीक नीचे है। आगे इसने कहा इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एस टी, अब देखिएगा एस टी ये उसी धातु का बना है जिसका टी, इसका मतलब ये है कि ये डब्बा बिल्कुल अलग है, मतलब समझिएगा मैं वापस बोल रहा हूं कि उसी धातु का बना है जिसका टी, एस टी, एस टी का मतलब ये डब्बा टी वाले बॉक्स से अलग है, और टी वाला जो बॉक्स है वो किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। तो ये जो है ये बॉक्स प्लास्टिक का तो बना है लेकिन ये बॉक्स टी नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से पजल गलत हो जाती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो उसने जो कहा हमने उसको यहां तक तो उतार लिया। और देखिए मेमोरी में डेटा को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डेटा ध्यान नहीं रखेंगे, कोशिश नहीं करेंगे याद रखने की, तो दिक्कत आएगी हमें डेटा को कनेक्ट करने में। ठीक, चलिए अब आते हैं अगली लाइन पर। इसने कहा बॉक्स एस, एक्स इज कैट समवेयर बिटवीन W एंड X, एस जो बॉक्स है W और एस जो बॉक्स है समवेयर बिटवीन W एंड X, W और X के बीच में है, एस बीइंग बिलो X। अब देखेंगे S जो बॉक्स है वो W और X के बीच में है, तो इसका हम नोटेशन बना लें। और X, X being below S, X क्या है,
एस के नीचे है और डब्ल्यू के नीचे एस होगा, तो देखेंगे ये एक ऑर्डर हमारे पास में आएगा कि डब्ल्यू के नीचे एस, एस के नीचे एक्स। आगे इसने कहा देयर आर टू कार्ड बॉक्सेस इमीडिएटली अंडर द प्लास्टिक बॉक्स, जो प्लास्टिक का डब्बा है, प्लास्टिक का डब्बा है उसके नीचे क्या है, दो कार्ड बॉक्स के डब्बे रखे हैं, कार्ड बॉक्स के दो डब्बे रखे हुए हैं, ये कार्ड बॉक्स के दो डब्बे रखे हुए हैं, उसने ये बोल दिया। ठीक है, आगे इसने कहा कैपेचिनो केक इज एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड द बॉक्स कंटेनिंग मिल्क चॉकलेट। ठीक है, कैपेचिनो केक जो है वो कैपेचिनो केक इज कैप्ड एग्जैक्टली बिटवीन वी, वी एंड मिल्क चॉकलेट। देखेंगे कैपेचिनो केक जो है वी और मिल्क चॉकलेट के ठीक बीच में, ठीक बीच में मतलब गैप बराबर होगा। तो देखें जो हैश का निशान मैंने बताया है, हैश का निशान इसलिए बना दी कि गैप क्या होगा उनके बीच में, इक्वल होगा, इस चीज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें आगे आते हैं, आगे इसने बोला है द बॉक्स कंटेनिंग मिल्क चॉकलेट एक्स, एक्स डज नॉट कंटेन द पाइनएप्पल केक, एक्स में जो है पाइनएप्पल का केक नहीं रखा हुआ है, पाइनएप्पल केक नहीं रखा हुआ है, ये यहां तक आ गया। अब देखिए आगे इसने कहा देयर इज वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स यू एंड बॉक्स डब्ल्यू, एक डब्बा बॉक्स यू और डब्ल्यू के बीच में है, ऑर्डर नहीं दिया गया, देखिएगा ध्यान से देखिए ऑर्डर नहीं दिया गया है। डब्ल्यू इज कैप्ट इमीडिएटली ब्लो, डब्ल्यू इज कैप्ट इमीडिएटली ब्लो, इमीडिएटली ब्लो ठीक नीचे है द बॉक्स कंटेनिंग चेरी मार्बल केक, चेरी मार्बल केक के ठीक नीचे वाला जो डब्बा है वो देखेंगे डब्ल्यू है, ये बताया गया। तो ये देखेंगे काफी अच्छे से कनेक्ट हो रहा है वाला डेटा। अब आगे देखें इसने कहा, यहां तक हो गया हमारा, इसने कहा द बॉक्स कंटेनिंग रेसबेरी केक इज प्लेस्ड इवन नंबर प्लेस, यानी कि जिसमें रेसबेरी केक रखा हुआ है वो इवन नंबर प्लेस पर है, यानी कि दो चार छह आठ कहीं पर भी हो सकता है, इवन नंबर प्लेस बट नॉट एट द बॉटम, सबसे नीचे नहीं है, बॉटम में नहीं है। बॉटम मतलब अब यहां पे बॉटम का मतलब आठ नंबर फ्लोर से होगा, आठ नंबर फ्लोर से होगा, आठ नंबर क्यों, क्योंकि देखिए बॉक्सेस जो रखे हुए ऊपर से नीचे रखे हुए, मतलब सबसे ऊपर वाला जो डब्बा है वो एक नंबर का है, उसके नीचे दो नंबर का है, ये इसने स्टार्टिंग में बोला है हमें। आगे इसने कहा था बॉक्स कंटेनिंग रेसबेरी केक इज प्लेस्ड इवन नंबर प्लेस बट नॉट एट द बॉटम, द स्टील बॉक्स इज कैप्ट टॉप, स्टील बॉक्स, स्टील का जो डब्बा है वो टॉप पर है, अब उसमें या तो पाइनएप्पल केक है, आइदर कंटेन द पाइनएप्पल केक और चॉकलेट आलमंड। ठीक है, अब देखिए इसको यहां तक पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक टेबल कहीं ना कहीं बना लेता हूं ताकि मुझे इस डेटा को कनेक्ट करने में आसानी होगी। देखिए मैं यहां पर थोड़ा स्पेस, क्योंकि डेटा ज्यादा रहेगा तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेते हुए टेबल बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं और डेटा में दिखा भी पाऊं। एक मिनट रुकिए, कुछ गलत हो गया। देखिए इस टेबल में यहाँ पे तो हमने नंबर डाल दिया, इसके हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, ठीक है, किसका, बॉक्स का नाम, और यहाँ पे फ्लेवर आ जाएगा और यहाँ पर उसका मटेरियल आ जाएगा क्योंकि इस धातु का बना हुआ है, ये चीज़ आपको करनी है। अब यहाँ पे उसने बोला है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइन इसमें पढ़ी है, लास्ट लाइन जो हमने पढ़ी है उसमें इसने हमें बोला है कि द स्टील बॉक्स, द स्टील बॉक्स विच इज कैप्ड एट टॉप आइदर कंटेन पाइनएप्पल और चॉकलेट आलमंड, जिसमें स्टील है ना, स्टील का जो बॉक्स है वो उसमें वो टॉप पर है, उसमें या तो पाइनएप्पल या चॉकलेट आलमंड केक रखा हुआ है। तो अब देखें इसको अगर हम बनाते हैं, तो देखेंगे स्टील का बॉक्स यहां आ जाएगा, चॉकलेट आलमंड या पाइनएप्पल केक वो यहां आ जाएगा, चॉइस ही आ गई अपने पास में। अब आते हैं कि
अगली लाइन क्या है? अगली लाइन में इसने कहा है बॉक्स यू इज नॉट मेड अप ऑफ कार्ड बॉक्स। बॉक्स यू जो है कार्ड बॉक्स का नहीं बना हुआ है। बॉक्स यू इज नॉट मेड अप ऑफ कार्ड बॉक्स। यू जो डब्बा है वो कार्ड बॉक्स का नहीं है। ठीक, आगे इसने कहा वी विच कंटेन द ब्लैक फॉरेस्ट केक इज मेड अप ऑफ वुड। तो देखेंगे वी विच कंटेन द ब्लैक फॉरेस्ट केक इज मेड अप ऑफ वुड, जो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, वी में वी जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट केक रखा है लकड़ी का बना हुआ है। आगे इसने कहा अमंग द टॉप फाइव, पहले पांच में यानी कि एक से पांच में कहीं ना कहीं वी है। आगे इसने कहा था बॉक्स कंटेनिंग बटर व्हाइट केक इज मेड अप ऑफ वुड, वो बॉक्स जिसमें बटर व्हाइट केक है किसका बना है? लकड़ी का बना है, वुड का बना है, ये एक जानकारी आ गई। फिर इसने कहा एस डज नॉट कंटेन द पाइनएप्पल और रेसबेरी केक, एस में पाइनएप्पल और रेसबेरी केक नहीं है। अब देखिए जो डेटा है इसको मैंने अपने शॉर्ट नोटेशंस में उतार लिया, आपको आराम से दिख रहा होगा ये, क्योंकि मैंने बड़ा लिखा है, रेड कलर यूज करते हुए लिखा है। और पूरा डेटा तो देखें आपको मैं एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए अब आपको ये पूरा सेट दिख रहा होगा नोटेशन फॉर्म में, जिसमें से बस एक जानकारी ये वाली जो है रेस्पिरी वाली, ये आपको दिख जाएगी। हाँ यहाँ देखिए ये पूरा पूरा सेट आपको नोटेशन फॉर्म में दिख रहा है। और क्या है, थ्योरी से हमें नोटेशन पर आना होता है, तो हम वहाँ तक आ गए हैं। अब हम इस सेट को बनाना शुरू करते हैं। देखिए अब मैं क्या है, जो चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ वो मतलब केस केस है या क्या है उस पर आते हैं। देखिए अब मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये जो सेट है मैंने कहा था 8 से 10 मिनट लेता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे आज जो सिस्टम लिया मैंने, जो पिछली क्लासेस मैंने ली हैं उससे थोड़ा डिफरेंट लेने का कारण ये था कि एक एक्सपेरिमेंट मान लो आपकी बहुत ज़्यादा डेटा है तो यार उसको कैसे ना कैसे हम कैसे मैनेज कर पाएं, तो इसलिए मैंने ये सिस्टम लिया। बट मुझे लगता है कि पहले वाला ही ज़्यादा बेटर था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिछले सिस्टम पर ही, पिछले जो डेस्क बोर्ड है उसी पर काम करेंगे। और ठीक है आज का तो हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें स्टार्टिंग ढूंढने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट की जहां तक बात आती है तो मुझे W बहुत ज्यादा कॉमन नजर आया। क्यों? W के बारे में देखेंगे, मेरे पास में यहां जानकारी है W के बारे में, ये जानकारी कि W के नीचे S और X, W के बारे में देखेंगे ये जानकारी है, W के बारे में हमारे पास में मतलब काफी जानकारी हो गई, तीन चार जानकारी हो गई। और W की इस इन सभी जानकारी का रिलेशन देखेंगे क्या बैठता है, वो ये बैठता है कि W के ऊपर तीन डब्बे तो हैं, एक तो वुड का है, एक प्लास्टिक का, एक तो ये डब्बा है, एक प्लास्टिक का डब्बा है। ठीक है ना, W के ऊपर दो डब्बे तो यही हैं और एक स्टील का डब्बा है, तो W पहले तीन में तो नहीं आ सकता। नीचे के दो में भी W देखिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता W नीचे के दो में? क्योंकि W के नीचे S और X बॉक्स रखे हुए हैं। इसका मतलब W के लिए तीन केसेस हैं, जिसमें आप देखेंगे ये W का पहला केस मैं बना रहा हूं, तो इसको मैंने W1 लिख दिया। पहला केस क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लेस करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे चेरी मार्बल क्लेक केस केक प्लेस करना पड़ जाएगा, यहाँ पे प्लास्टिक करना पड़ जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि ये क्यों लगता है 8 से 10 मिनट का समय, होता क्या जब हम केस बना के चेक करते हैं तो टाइम लग जाता है। तो क्या कीजिएगा, आप नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने ब्रैकेट में डाला कि भाई यहाँ से केस है, और जब ये बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर हमें दोबारा से कहीं ना कहीं इसको स्टार्ट करना होता है। अब आपको टेबल इस तरह से बनानी है, देखिए मैं बार बार बनाने पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ रेदर देन कि इसका सॉल्यूशन मैं निकाल के आपको बता दूं, कि आपको जो टेबल बनानी है कोशिश ये करने कि एक ही टेबल में आपके सारे केसेस मैच हो जाएं। कैसे? नंबर डाल के। जैसे केस नहीं बना तो आप इसको काट दीजिए। बट मैं क्या है, मेरे पास आज जो सिस्टम है बोर्ड है उसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर मैंने कलर दूसरा ले लिया, आप कलर दूसरा नहीं ले सकते तो, लेकिन आपके पास बेनिफिट क्या होता है, पेपर पेंसिल पे करते हैं तो बहुत छोटा लिख सकते हैं, और जब वो केस नहीं बनता तो उसको काट सकते हैं, जब वो केस नहीं बनता तो उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे W को अगर मैंने यहां लिया, W को यहां लेते ही वुड ऊपर आ जाएगा, और जैसे मैं वुड यहां पे लिखता हूं ये पहला केस, अब देखेंगे मैं P प्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखेंगे P और R जो है उसकी जानकारी ये है कि P और R के बीच में एक व्यक्ति है, T और R के बीच में जानकारी क्या है, T और R के बीच में एक व्यक्ति हो पहले चार स्थान में। अब अगर वो पहले चार स्थान में है, समझिएगा, अगर वो पहले चार स्थान में है तो अब तो आ ही नहीं सकता। अब इसलिए नहीं आ सकता कि यहां पर पी लोगे तो यहां पे प्लास्टिक नहीं आएगा, और ये जो प्लास्टिक है ये हमने पहले ही काटा हुआ है। देखिएगा इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ये जो प्लास्टिक है, ये वाला जो प्लास्टिक है, टी नहीं, हमने पहले ही काटा हुआ है। इस बात का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने ये दिमाग नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा,
अब देखें कि ये केस यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है कि हम यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते W को, क्योंकि T प्लेस नहीं हो पा रहा। अब अगर W को नीचे लिया जाए, W को हमने यहाँ लिया, चेरी मार्बल केक यहाँ आ जाएगा, प्लास्टिक यहाँ आ जाएगा और वुड देखेंगे तो वुड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वुड यहाँ आ गया। अब पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट ये बनता है कि T कहाँ आएगा, तो T के लिए देखिए यही जगह खाली है क्योंकि T के साथ प्लास्टिक आएगा और वो जो प्लास्टिक है वो इस प्लास्टिक से अलग है, तो R देखिए यहाँ आएगा। तो कुल मिला के T और R दोनों ही प्लास्टिक पे आ गए, ठीक है ना, और पहले चार स्थान में भी आ गए। अब आप देखिए कि पहले पांच स्थान में फर्स्ट फाइव पोजिशन जो है उसके लिए उसने मुझे एक जानकारी दी है, बड़ी अच्छी जानकारी है वो, और वो जानकारी है V के बारे में। अब गौर कीजिएगा इस बात पर कि उसने मुझे V के बारे में डेटा दिया है कि V कैपेचिनो मिल्क चॉकलेट तीनों कनेक्टेड है, यानी कि कैपेचिनो केक का जो डब्बा है वो V और मिल्क चॉकलेट के ठीक बीच में है, पहली चीज। दूसरा, V जो है बटर ब्लैक फॉरेस्ट केक रखा हुआ है और लकड़ी का बना हुआ डब्बा है। तो आप देखेंगे अगर मैं इस चीज को कनेक्ट करता हूं तो मुझे ये समझ में आया कि V यही आ सकता है, क्योंकि V ब्लैक फॉरेस्ट, V में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट केक है आप देख रहे हैं ये, और वुड का बना हुआ है। अब आप देखेंगे कैपेचिनो केक जो है, कैपेचिनो केक V और मिल्क चॉकलेट के ठीक बीच में, तो देखिए कैपेचिनो यही आ सकता है और V और कैपेचिनो के बीच में एक का गैप है, आप देखेंगे यहां एक का गैप है, तो एक छोड़ करके क्या आएगा, एक छोड़ करके ही मिल्क चॉकलेट आएगा, तो मिल्क चॉकलेट जो आएगा वो यहां आएगा, मिल्क चॉकलेट कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। अब आप देखें कि ये यहां तक बना, इसके आगे जो डेटा कनेक्ट कर पा रहे हैं हम ये कर पा रहे हैं कि प्लास्टिक के नीचे दो कार्डबॉक्स के डब्बे रखे हैं, तो यहां पे देखेंगे कार्डबॉक्स का डब्बा, यहां पे भी कार्डबॉक्स का डब्बा आ जाएगा। अब जो जगह खाली है उसमें आप देखेंगे W से कनेक्ट होता है, W से कनेक्ट होता है U, W और U के बीच में एक डब्बा है, ठीक है ना, W और U के बीच में एक डब्बा है, देखेंगे यहां पर आपको आराम से दिख रहा होगा W के बीच में एक डब्बा है, तो U देखिए नीचे ही आ सकता है, ऊपर तो आ ही नहीं सकता। अब कनेक्ट हुआ S और X, अब क्या कनेक्ट हुआ, आप देखेंगे S और X कैसे कनेक्ट हुआ, S और X क्योंकि देखेंगे उसने कहा था S और X वाला जो डब्बा है वो W के नीचे है, तो दो ही जगह खाली है, एक ये और एक ये, तो S और X देखें यहां आ जाएगा। अब पूरा कॉलम आप देख लीजिए जिसमें एक ही जगह खाली है, वो एक जगह है किसकी, नाम देखिए कौन सा नाम इसमें भी बाकी रहा, उसको लेकर के हम सेट को आगे बढ़ा लेंगे। तो एक बाकी है P, P की जगह देखिए हमने अभी छोड़ी हुई है, तो P को हम देखें कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे कि P यहां पर आएगा और कहीं नहीं आ सकता। अब जो जगह खाली है उसमें आप देखेंगे एक है बटर वाइट केक वुड का बना हुआ है, तो बटर वाइट केक वुड का बना है, तो देखिए बटर वाइट केक यहां आएगा, वुड यहां आ जाएगा। अब जो जगह खाली है उसमें स्टील आ जाएगा, ठीक है। अब एक जगह जो खाली है उसमें हम क्या लेंगे, अच्छा दो जगह देखिए खाली है, एक तो ये वाली और एक ये, इसमें देखिए एक तो रेसबेरी केक लिखना बाकी है और एक चॉकलेट आलमंड पाइनएप्पल का ऑर्डर कंफर्म करना बाकी है। तो आप देखेंगे एस के बारे में, एस के बारे में मुझे एक जानकारी दी हुई है कि एस पाइनएप्पल और रेसबेरी केक नहीं रखता है, देखेंगे ये कहा हुआ था कि एस में ना तो पाइनएप्पल केक है ना ही रेसबेरी केक है, तो एस के साथ ना तो पाइनएप्पल आएगा ना ही रेसबेरी आएगा, पाइनएप्पल और रेसबेरी दोनों ही नहीं आएंगे, तो यहाँ पे चॉकलेट आलमंड कन्फर्म हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे चॉकलेट आलमंड आप कन्फर्म करते हैं ऊपर पाइनएप्पल कन्फर्म हो जाएगा, और ये जगह किसकी कन्फर्म होगी, फिर रेसबेरी की, और रेसबेरी इवन नंबर प्लेस पर आना चाहिए, यानी कि रेसबेरी आएगा दो नंबर पर, बिल्कुल सही है। तो देखेंगे जो मैंने ऑर्डर बनाया वो एक फाइनल ऑर्डर है, ये मैं बोल रहा हूँ, जबकि मैंने एक केस बनाया था, कैसे याद कीजिए आपको, मैंने W को पांच नंबर पर प्लेस करके एक केस बना के आपको बताया कि W पांच नंबर पर रखिए, W पांच पे ही हो जरूरी नहीं है, W को छह पर भी रखकर देखा जा सकता है, यानी कि आपको एक केस और बनाना पड़ेगा जिसमें W को छह नंबर पर रखकर आपको चेक करना चाहिए, कायदे से चेक करना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या मंशा लेकर के क्वेश्चन बना रहे हैं, एक तो ये चीज कि आप हिट एंड ट्रायल से बना रहे हैं या फिर आप पूरे प्रोसीजर से बना रहे हैं। मेरा सजेशन ये जाता है कि आप पहले क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस में अगर कोई कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको कंडीशन है तो कहीं ना कहीं आपको लग जाता है कि केसेस बन रहे होंगे, एक से ज्यादा केसेस बन रहे होंगे, इसलिए कंडीशंस वहां दी हुई हैं, तो आपको दूसरा केस बनाकर देखना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन कन्फर्म है तो फिर आप दूसरा केस ना बनाएं, ये बन गया, सारी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब आप देखेंगे कि मैंने ये ऑनलाइन बैठे बैठे स्क्रीन पर आपके सामने सेट बना दिया, बट आपको मैं बता दूं कि ये उतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैंने आपको बना के बताया, क्योंकि मैंने साइड में इस सेट को
पहले से बनाया हुआ, मतलब पहले से बनाया हुआ है, क्लास स्टार्ट करने से पहले बनाया हुआ है और इसके स्टेप्स मुझे पता थे, लेकिन क्योंकि देखिए ऑनलाइन है, मेरे को खुद को पूरा सेट ढंग से दिख नहीं पाता है, आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि ऑनलाइन में जो लेंथी पजल्स होती है बनाने में ढंग से नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, हम क्लासरूम प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो क्या तरीका हमारे पास में हो सकता है, यही है, थोड़ा कोशिश आप करें, थोड़ी मैं करूँ और हम लोग जो हैंडआउट आपको मिल जाता है उसको सॉल्व करें, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर इस वीडियो को देखें, फिर आप सोचें कि मैंने क्या बोला है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक केस बना के फाइनल केस है वो बना के बताया, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से की मैंने, स्टार्टिंग डब्ल्यू से की है, डब्ल्यू से डेटा कनेक्ट करते हुए मैंने इसको फाइनल स्टेज तक पहुँचाया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और आज एक सेट मेरे से गलत डल गया जिसमें मैंने स्क्वायर टेबल का अरेंजमेंट डाल दिया, खैर वो सेट अच्छा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने दो सेट डिस्कस किए हैं जबकि तीन सेट डिस्कस करने का टारगेट था, बट नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली अगली क्लास जो कल होगी उसमें कोई गलती नहीं होगी और सिस्टम भी अपना पुराना रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको शायद देखने में प्रॉब्लम आ रही है, और पीडीएफ फाइल जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा इसकी। ठीक, चलिए आज इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, अच्छे लेवल पे जाएगा सेट, आज बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अभी 5 मिनट 10 मिनट बाद मिलते हैं क्योंकि 9 बजने में 10 बजने में 5 मिनट हैं, फिर हम मिलते हैं इस पर। ठीक है, थैंक यू।